यार खैर अपन प्लेन पर पढ़ रहे हैं, प्लेन पर अपन जो आखिरी बातें करते हैं, बात करते हैं इमेज की बात। किसकी बात? लिखो, जैसे मान लो अगर अपन देखें, लिखो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखें इधर ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूँ कि ऐसे दो मिरर हैं, एक सवाल के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ध्यान सुन। मान लो ऐसे दो मिरर हैं, क्लियर? अब आप एक बात को समझो, मान लो कि इन दोनों मिरर के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, कितनी है? 3। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहां से कितनी दूरी पर है? 2। बोलो क्लियर। अब बोले तो कितनी इमेज बनेगी? सिंपल, तुम जानते हो, बोले तो कितनी इमेज बनेगी? कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? पक्की बात? Yes, सब लोग मानते हैं? Yes, इन्फिनिट बनेगी? पक्का? Yes, इन्फिनिट बनेगी। क्यों? हमने देखा, जैसे मान लो अगर हम सलून पे कभी कटिंग कराने गए हो या किसी बड़े शोरूम में गए हो, बहुत सारे मिरर लगे होते हैं। अगर आमने सामने मिरर लगा होता तो क्या अनंत इमेज दिखती है? इधर भी और इधर भी, बोलो दिखती है ना? इसलिए हमने अनंत बोला। उसका कैसे बनती है, क्यों होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, सोच के देखें कि मान लो खाली ये मिरर नहीं है, सिर्फ ये मिरर है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी? कितनी दूरी पे? 1 सेंटीमीटर। बनने का तरीका, अच्छा, एक रे दो रे की अनंत, अनंत से बनेगी, कोई बुराई वाली बात बनेगी भी साहब? अनंत से। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। यार तुम लोग अभी से इतने बिगड़ गए, एंड आते आते क्या होगा तुम्हारा? मैंने नहीं बिगाड़ा, प्लीज नहीं, मैंने बिगाड़ा नहीं, बस मैंने तुमको यह एहसास कराया है कि तुम सब एक जैसे हो। ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कोई बुराई नहीं। अफसोस, मान लो कि ये मिरर नहीं होता, मान लो कि ये मिरर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, तब भी क्या ये रे ऐसे ही आती? डल रेस्पॉन्स, पक्की बात? अगर ये मिरर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, तब भी क्या रे ऐसे ही आती? तब भी रे ऐसे ही आती। तो सोच, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या हो गई? क्या बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रही जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा हो? अच्छा, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? तो इमेज यहां 4 पे बनेगी? इमेज यहां 4 पे बनेगी। अब बता, क्या अगर ये मिरर नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, तब भी क्या रे ऐसे ही आती? तो अब ये वाले मिरर के लिए ये क्या बन गया? क्या बन गया? कितनी दूरी पे? 3 और 4 7। तो इमेज कहां बनेगी? 7। ये 7 अब बनेगी या निकल लेगी? रे तो निकल ली, बनेगी नहीं बनेगी? बोला तो बनेगी नहीं बनेगी? पक्की बात? सोच लो। क्यों? एक ही रे थोड़ी होती है यार, बहुत सारी होती है। तो अपने एक रे पकड़ी, बहुत सारी हो सकती है ना? अगर पास वाली ले लेता बनेगी नहीं बनेगी? अब बता, ये इधर 7 तो उधर कितने पे? 10। क्या ये बात तुम्हें चमक रही है थोड़ी थोड़ी? एंड सो ऑन, एंड भाई जो बनेगी वो इस लेंथ पे डिपेंड। बोलो क्लैरिटी एकदम? पक्की बात? चलो, ये तो एक तरफ की कहानी हुई। दूसरी तरफ की देखो, मान लो रे पहले, मैंने उस रे को कंसीडर करा जो पहले इधर गिरी। मान लो जो रे पहले इधर गिरती, ये इमेज कितने पे बनती? 2। हाँ ना, बोल। yes, ये रे ऐसे जाती। अब बोलो, ये वाली इमेज इस मिरर के लिए क्या हो जाती? तो 2, 2, 4 और 1, 5। क्या इमेज यहाँ 5 पे बनती? yes, हाँ ना, बोलना पड़ेगा। yes, अब कितने पे बनती, जल्दी बोलो? 5 और 3। हाँ, 8 यहाँ कहीं होता, कोई बुराई नहीं। अब कितने पे बनती, बोलो? एंड सो ऑन। ये 11 और आ जाता है यहाँ पे। पहले तो जो बोला चमका? yes, यार नहीं आया, आया नहीं आया, ये क्लैरिटी है हमें समझ में। ऐसे अनंत इमेज बनती जाती है। हाउ वी प्लॉटेड, वो मैंने रे डायग्राम बनाया। बट बार बार ऐसे रे डायग्राम बनाना समझदारी? जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, वो उसको उतारना मत, उतारना ही, हम उसे इसके कॉन्सेप्ट से समझते हैं डेटा अलग लेके, ताकि हम उसे प्लॉट कर पाए कि इमेज कौन कौन सी कहाँ पे बनेगी। मान लो कि हम मान लेते हैं ये दूरी 4 मीटर है और मान लेते हैं कि ये दूरी 2 मीटर, समझने के लिए। अब इसके मान लो हमें 3-3, 4-4 इमेज बनानी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी, जो इस मिरर से पहली इमेज बनी, जो इस मिरर से देख, दोनों की पहले पहली इमेज बना लो, नहीं आया? अब सोच, इस मिरर की पहली इमेज इसकी दूसरी का कारण है,
नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण है, और इसकी पहली वाली और इसकी दूसरी वाली उसकी तीसरी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? इसका मतलब हमें बात समझ में आई, हमें बार बार रेडायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट प्लॉट करेंगे, जैसे इस वाले सवाल को सब मिलके करते हैं। पहले दोनों की पहली पहली वाली बना लो, दो चार, अब जो सिखाया बताओ। इसकी पहली वाली इसकी दूसरी, बोल कितनी दूरी, कितनी, आठ बना लो। इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली, बोल 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 बोल। चल दोनों की तीसरी तीसरी बनाओ ओरली, उधर भी तीसरी इधर भी तीसरी, बोलो सब लोग बोलेंगे। इधर की तीसरी कितने बनेगी, बोलो सब लोग बोलेंगे सही। इधर तीसरी कितने पे बनेगी, क्या इसकी दूसरी वाली उसकी तीसरी का कारण है? बताओ बताओ बताओ, सब लोग बोलेंगे कितना कितना। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, खत्म। अच्छा मुझे मुश्किल मैच है वो, आया नहीं आया उसकी बोल कितना, कोई बुराई नहीं, कोई कष्ट नहीं, सोच ले। यस सर। और मैं तो कह रहा हूं तेरे को अगर कभी कंफ्यूजन, देख इसकी दूसरी वाली देख, ये दो मीटर पे, ये कितनी पे, चार, बोलो क्लियर यार, हाँ ना बोल। इसकी आप सोच, इसकी जो चार है ना, क्या कुछ गड़बड़ करी हमने, 18 है क्या, एक है इसकी दूसरी वाली, 10 और 6 16 ही होगा बेटा, 10 और 6 हमारे यहां तो 16 ही होता है। सन्नाटे। अब सुन, हमेशा ध्यान से देखो, तो हम 6-6 ही तो जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, देख देख, ये अगर फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर है, सोच के देखना, ये इनकी पहली पहली इमेज, दो और चार बोल लिया, और चुपचाप 6-6 जोड़ता चल, 6 जोड़ 4 और 6 दो और 6 8 और 6 10 और 6 एंड सो ऑन। अरे यार इतनी अकल भी लगाने की जरूरत नहीं है, चमका ही नहीं आ, देखो क्या हुआ ये सन्नाटे। अरे बार बार 6 ही तो जोड़ोगे यार, क्योंकि तो दोनों में लगे भी थी, अब 6 ही तो है, पहली पहली लिखो, 2 और 4 दो और अच्छे खिच खिच देख, 2 10 14 अरे यार हाँ ना बोल, वही तो कर रहे लॉजिक, नहीं है नहीं है नहीं है, गणित है प्योर, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस बनाते चलो, बार बार रेडायग्राम बनाने की जरूरत, वो तो फील करवाया, बाकी तो आप तो कुछ भी पूछ, जैसे मान लिया मैं जैसे पूछू और लो सन्नाटो, कहाँ कहाँ तीन तीन इमेज बनेगी बताओ, ऐसा ला पहली दूसरी भी नहीं करनी अपने को, तो मान लो 1 मीटर ले लो 3 मीटर ले लो, बोलो क्लियर। चलो अब अपन लिखते हैं, ये 1 ये 3 कितना जोड़ेंगे, जोड़ते चलेंगे जल्दी बोल, 3 और 4 1 और 4 7 और 4 5 और 4 ले आ गया। अरे यार क्या है, अकाली तो लगानी थोड़ी सी। अरे भाई हाँ ना बोल, पहले सोचते पता नहीं क्या पढ़ाता है सर, पहले तो ऑप्टिक्स पढ़ी थी, प्लेन मिरर होता है इतना पता ही नहीं था हमें, तो खत्म हो जाता किताबों में प्लेन मिरर आधे एक पेज में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको, इतना होता है, अभी आज खत्म होगा वो, उतारो सन्नाटो और कराऊं ऐसे, टाइम पास समझ आ गया, गुड। मान लो सन्नाटो, ये देख ये 2 मिरर है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, मुंडी सवाल है, कैसा सवाल है, मुंडी सवाल है, ध्यान है, कितनी इमेज बनेगी मन में, बिल्कुल मुंडी सवाल है, बिल्कुल फुसफुसाना नहीं है, फुसफुसाते ही साले गर्दन काट दी जाएगी। नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 इनफाइनाइट, मन में मुंडी सवाल है, 2 प्लेन मिरर है,
और आंटी क्या नाम है? हाँ अनिता, बसंती, चंपा, डॉली, बहुत सुंदर मुंडी ऊपर। मैं से लोग डॉली के साथ, कुछ लोग अनिता, कुछ बसंती, इक्का दुक्का चंपा के साथ। ध्यान सुने, लॉजिकली सुने, क्या आंसर है? बी। आंसर है बी, आंसर है बी। दो इमेज बनेगी बस। तू बोलो सर ये क्या बात हुई, अनंत मिरर हो, पैरेलल मिरर हो तो अनंत इमेज बनती है। बात आपकी सही है, अरे तब बनती है जब इमेज फील्ड ऑफ व्यू में लाई करे। सोच के देख, इससे लॉजिकली समझना, इसलिए रे डायग्राम बनवाया, वरना मैं तो स्ट्रिक्ट से ही आपको सब कुछ सिखा सकता था। ये क्यों बनवाया, उसके पीछे लॉजिक है, ताकि आप फील कर पाओ जो मैं आप बोल रहा हूं। मान लो एक रे ऐसे गई, ये 1 मीटर पे इमेज बनी, बोलो क्लियर। रे ऐसे गई, मुझे बताओ कौन सी ऐसी रे जो इस मिरर से टकरा के इस पे टकराएगी, कौन सी ऐसी रे? एक भी नहीं है। कौन सी ऐसी रे पॉसिबल है जो इस पे टकरा के इस पे टकराएगी? जब है ही नहीं तो ये वाली इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है? अरे कोई भी इमेज किसी भी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तब होगी ना जब उसकी फील्ड ऑफ व्यू में आ रही हो यार। तो चमका ही नहीं यार। अरे यहां पे मिरर पे टकरा इस पे टकरा रही थी ना यार, यहां पे साला मिरर का अरेंजमेंट ही ऐसा है। अरे यार गलत तो नहीं बोला मैं? मुझे बता कौन सी ऐसी रे जो इस मिरर पे टकरा के इस पे टकरा रही है? कोई भी ऐसी रे नहीं है। कोई भी ऐसी रे, अगर कोई भी ऐसी रे नहीं है तो कैसे ऐसा हो सकता है कि इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट ही ऐसा लिया है। हाँ अगर ये मिरर थोड़ा ऊपर होता तो क्या ऐसा होता? बट ऐसा है ही नहीं। द सेम वे एक रे यहां गई, इमेज यहां बनी, डर डर डर। कौन सी रे ऐसी है जो इस पर टकरा के उस पर टकराएगी? तो कैसे इन्फिनिट बन जाएगी भाई साहब? कितनी? सवाल आया था एम्स में, और सवाल ये नहीं था एम्स में आया था तब भी। उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने और अच्छा पूछा था एम्स में। सवाल आया था जो मैंने आपसे पूछा है, कह लो कह रहे हम एम्स की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। स्टैंड लगवा दूं ऐसे लोहे के गद्दे वाले? झूल जाएंगे, मतलब झूले आया, मतलब झूला लगा रखा हमने छेड़ा। मैं क्या तुम्हें बहुत मरा मरा सा पढ़ा रहा हूं क्या? उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि भैया बताओ, सुनते सही, कि बताओ अगर एक ऑब्जर्वर है, क्या है उसको मैक्सिमम किसी भी समय कितनी इमेज दिख सकती है एक साथ? उन्होंने पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस एन ऑब्जर्वर कैन व्यू मैक्सिमम एट अ टाइम, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस एन ऑब्जर्वर कैन व्यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऊपर होगा तो ये दिखेगी, नीचे होगा तो, और कहीं होगा तो दिखेगी नहीं, तो इमेज कितनी देख सकता है वो? तो उन्होंने जो आंसर, जो उनका सवाल था उसका आंसर तो वन ही था। मैंने आपसे वो नहीं पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ इमेजेस, वो कितनी बनी? दो। बट एक ऑब्जर्वर कितनी देख सकता है? एक। ये वही बच्चा आंसर दे सकता था जिसको फील्ड ऑफ व्यू बनाने का या रे डायग्राम की क्लैरिटी हो, वरना मैक्सिमम बच्चा आंसर देता है सर पैरेलल मिरर है अनंत इमेज बनेगी। अरे बात आपकी सही है, अरे पर वो तब बनती है जब एक से रे दूसरे पे टकराए। यहां तो अरेंजमेंट ही ऐसा टकराई नहीं रही, तो क्या करूं? अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा तुम्हें आया। बाकी नॉर्मल सवाल आएगा तो देख बढ़िया ट्रिक बताइए, खड़ाक से कर आंसर। पहले तो जो बोला चमका, कोई उराई कोई गश डाल दे, और जो अपनी भाषा में लिखना हो लिख लेना, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, है ना। देख अब और अच्छी वेराइटी करते हैं इसमें, प्लेन मिरर वाली में अपने सवाल के लिए। नेक्स्ट देखो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, एक मिनट तुम्हें समझ तो आया ना मैंने कराया जो? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन लिखें, इमेज फॉर्मेशन फॉर इंक्लाइन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन फॉर इंक्लाइन मिरर्स, बढ़िया सेगमेंट, अकल वालों का सेगमेंट, ध्यान से सुने, पहले समझें, पेन कॉपी बंद कर दें, पेन को कॉपी के बीच में रखें और बंद कर दें, थोड़ी देर सुने, पेन को कॉपी के बीच में रखें और बंद कर दें ताकि सुने सिर्फ आप, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है ना। अरे रख लो, अब उसमें बीच क्या ढूंढ रहे हो, कहीं पे भी रख लो।
मान लो दो मिरर है 90 डिग्री पे, कितने पे 90 डिग्री पे दो मिरर है, ठीक भाई है, उसमें कौन सी खास बातें होती हैं। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ध्यान सुनना ये बनते वक्त ही समझ में आएगा। मान लो यहाँ से भी ए दूरी पे और यहाँ से भी ए दूरी, सिमेट्रिक रखा हुआ है बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर समझते हो, देखो सिमेट्रिक है ना, दोनों से दूरी ए है। अब अपन बात करते हैं इमेज कैसे बनेगी, इस मिरर से पहली इमेज कहाँ नीचे बनेगी, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, ए दूरी पे, कोई कष्ट वाली बात नहीं। बनने के तरीके देखते हैं, ये रे ऐसे गई टकरा के ऐसे गई टर 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 ऐसे चलेगी, मुझे बताओ क्या ये रे इधर टकराएगी, ये रे इधर नहीं टकराएगी। ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी रे इस पे टकराएंगी वो टकरा के उधर चली जाएंगी, वो कभी भी इधर टकराने वाली नहीं। बट जो भी रे इधर आएंगी, जो भी रे इधर आएंगी, क्या वो टकरा कर दूसरे मिरर पे टकराएंगी, हाँ ना बोल यार, पक्की बात यार। अब ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई। अब थोड़ी देर के लिए समझो कि ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, चलो तो कहानी समझ में आई यार, हाँ ना बोल। ये इमेज, ये मिरर, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, तो इमेज कहाँ बनी, ये दूरी ए, क्या यहाँ से ए दूरी पर यहाँ पर, क्या डल रिस्पॉन्स, पक्की बात, मतलब ये जब रे टकरा के जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, तो मैं नहीं आया। अब जितनी भी रे यहां से लेकर यहां तक पे गिरेंगी ना टर, वो सब यहां से आती हुई लगेंगी, टकरा के यहां जाएंगी और यहां से आती हुई, क्या इस मिरर पे गिरने वाली सभी रेस पे मैंने पीएचडी कर ली है, डल रिस्पॉन्स, हाँ कि ना, कोई बुराई नहीं। अब इस मिरर को देखें, इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज तो यहां बनी, बोलो क्लियर, उसके बनने के तरीके एक रे ऐसे गई टकरा के ऐसे गई खुपच खुपच खुपच, क्या ये वाली रे कभी भी इस मिरर पे टकराई, कभी भी इस पे, ऐसा जो बोला चमका, हाँ ना बोल। एक और रे है जो नीचे गई खुपच ऐसे आती हुई यहां से लगी खुपच, अब डायग्राम गंदा होता जाता है, ध्यान सुनना, ये रे ऐसे गई टकरा के आती हुई लगी, क्या ये रे वापस यहां टकराई, अब ये वाली इमेज इस मिरर के लिए क्या हो गई, ये दूरी कितनी है ए, क्या इमेज भी ये नीचे ही बनेगी, अरे क्या पहले वही लोकेशन आ गई जो पहले वाली आई थी, क्या जो तीसरी इमेज बन रही है वो क्या दो कारणों से बन रही है, एक ऊपर वाले से और एक से। यार नहीं आया, आया, आया नहीं आया, आया। ये कितने कारणों से बनी, दो और ये एक एक। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये वाली इमेज एक रिफ्लेक्शन से बनी, ये वाली इमेज, ये वाली एक से, ये वाली एक तो दो रिफ्लेक्शन से बनी और कारण भी दो हैं, एक तो दो रिफ्लेक्शन से बनी और कारण भी इसकी वाली उसकी और उसकी वाली, कुल मिला के कितनी इमेज, क्या कोई ऐसी रे है जिसको हमने देखना छोड़ दिया हो, क्या हमने सारी पीएचडी कर ली है, कितनी इमेज बनी, तीन, आपने पढ़ा भी होगा 90 डिग्री पे तीन इमेज बनती है, अरे सुना है क्या, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको दिया है, ताकि मैं आपको अच्छे से फील करा पाऊं, मैं आपको किसी भी एंगल पे कितने भी नंबर ऑफ इमेजेस कैसे भी निकाल सकते हो तुम बिना किसी फॉर्म लेके, ये सिखा दूंगा मैं तुम्हें अगर ढंग से पढ़ोगे तो। पहले द जो बोला चमका, yes, सन्नाटे में चले गए, yes, एकदम पक्का, yes, सोच ले, yes, कोई तकलीफ इसमें, yes, अच्छे समझ उतार, फिर और बताता हूँ, अभी कहानी चालू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देख क्या कह रहा है, तेरे को तो मेरी क्लास आखिरी होती है जब तक तो तुम्हारी एनर्जी गायब हो चुकी होती है, मिल जाएगा खाने को मरो मसाला गेंडे कहीं के, रड़ी देखते रहते हैं बस कब जाए, तो मैच में टूट पड़े एकदम, खैर भावुक हो गया था मैं, वापस भूल जाओ सब, उसे बैकहेंड पे रखो, क्या ये बात की, कितनी बनी, कितनी बनी, तीन। मान लो मैं आपको बोलूं कि अब जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसकी ये दूरी ए है ये बी है, अब कितनी बनेगी, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा है अनसिमेट्रिक, कितनी, जल्दी बोलो, कितने लोग बोलते हैं, चार, कितने लोग बोलते हैं, चार, हाथ खड़ा कर ले, शर्माए नहीं, कितने लोग बोलते हैं, तीन,
बराबर लगभग कितनी बनेगी? ऐसा लगता है चार बनेगी, इसलिए सवाल पूछा है, इसलिए सवाल तीन ही बनेगी, ध्यान सुनना। इसकी इमेज यहाँ बनी, प्रोसेस को समझना, बोल क्लियर, पक्की बात। इसकी इमेज यहाँ बनी, ध्यान देख, तो ये दूरी कितनी, पक्की बात, ये दूरी बी, बोलो क्लियर है एकदम, ये दूरी बी, ये दूरी ए। क्या इसकी इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गई? यस सर। ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है ना? यस सर। तो ये दूरी ए तो इधर भी ए। और ये दूरी बी, ये वाली इमेज जो इस मिरर से बनी क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई? यस सर। ये दूरी कितनी बी, ये भी कितनी बी, तो वही तो बनी। ऐसा लगता है कि कॉन्साइड नहीं करेगी, बट करती है। बट करती है। हाँ कि ना? हाँ। सरदार तू बोल सकता है अब? सरदार सन्नाटे में चला गया। हाँ ना, बोल भाई। कितनी बनी? ऐसा लगता है कि चार बनेगी, पर बनी कितनी? कितनी बनी? चाहे 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो, चाहे अनसिमेट्रिक, कितनी इमेज बनेगी? और सुन, एक और बढ़िया सवाल देख, ध्यान से, ध्यान समझ। मान लो ये मिरर है, ये भी मिरर है, बोलो क्लियर, 90 डिग्री ऑब्जेक्ट यहां है, ए और ए दूरी पे, कितनी इमेज? डायग्राम को ध्यान देख, इसकी इमेज ये क्या बनी? कोई भी रे ऐसी नहीं है जो इससे टकरा के उधर चली जाए। कौन सी रे ऐसी जो इससे टकरा के उधर जा रही है? कोई भी नहीं। क्या कोई भी रे ऐसी जो इस मिरर से टकरा के इस पे टकराए? क्या कोई मिरर ऐसी जो, अभी याद है ऐसा लॉजिक दिया है, इसलिए वो रे डायग्राम बनवाया है। ध्यान देख, यहां और यहां पे मिरर, अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया, आया। कितनी बनी? दो। खैर हमें तो मेनली इससे बात होती है, ये एक अच्छे एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, पहले था जो बोला चमका, कोई बुराई नहीं है। और देख, सन्नाटा है क्यों, ये देख, अब सुन, अब सोच कि जो डायग्राम बना, जो अब अच्छी चीज सुना रहा, ध्यान सुनना, 15-20 मिनट सुनाऊंगा अभी, जो डायग्राम बनाओ कितना खतरनाक था 90 डिग्री पे, सोच अगर 60 डिग्री होता मिरर तो कैसा खतरनाक डायग्राम बनता, पागल हो जाते हैं। बट ये बात हमें समझ में आती है कि एक से इमेज बनी है दूसरे के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। अब मैंने ना बहुत लॉजिक लगाया, कुछ क्या लॉजिक लगाया सुनना ध्यान से, आप एक बात वो समझें अच्छे से, जो आपने ये इमेज बनाई ना अभी, कौन सी देखो, ये वाली, एक बात लॉजिक लगाए, क्या लॉजिक लगाया सुनना, कितनी भी दूरी हो, कुछ भी हो, इमेज यहां यहां बनी, बोलो बनी नहीं बनी? yes, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जितनी भी इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की, वो सब इससे बराबर दूरी पर है। yes, sir. Yes. और वो ही दूरी है जो ऑब्जेक्ट की दूरी है। गलत तो नहीं बोला? नो, किस जगह से बराबर दूरी पे? इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, ऐसा किस लिए हूं, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी मिरर लो, उसका ऑब्जेक्ट लो और इमेज लो, और इस मिरर का कोई भी एक पॉइंट लो, क्या उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर होती है? अब जितनी भी इमेज बनी वो सब इन्हीं दोनों मिरर से तो बनी है। गलत तो नहीं बोला? जो भी दोनों इमेज बनी वो इन्हीं दोनों मिरर से, इन दोनों मिरर का कौन सा कॉमन पॉइंट है? इंटरसेक्शन। मतलब इस पॉइंट से हर पॉइंट की दूरी, गलत तो नहीं बोला यार? बोल, है कि नहीं है? कि नहीं है? है कि नहीं? मतलब जितनी भी इमेज बनेंगी उनकी दूरी इंटरसेक्शन पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से दूरी बराबर, तो एक सर्कल है, तो क्या एक
अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, भले एक सर्कल ड्रॉ करूं, क्या ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल? हूज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स? एंड रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट. अब ये बात सोचो, ये कॉन्सेप्ट 90 डिग्री लिए वैलिड है या हर मिरर के लिए? या नहीं आया? सर वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई ऑन अ सर्कल. क्यों ऐसा हो रहा है, बोल चमका? मैंने सर कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है आपको, रखना तो कॉन्सेप्ट है, समझो उसको. कि ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई ऑन अ सर्कल. विल लाई ऑन अ सर्कल. हूज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स? हूज सेंटर इज द एंड रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया. अब ये मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो. अब इसे हम फॉलो कराएंगे, कैसे? सुनना, ये बात क्लियर है एकदम? ये बात हमें समझ में आ गई. ओके, ध्यान से सुने, अच्छे से समझे, फिर एक साथ उतारना. देखो कि अगर देख, मान लो कि एक सर्कल बना लेते ताकि आपको समझ में आए, फील के साथ थोड़ी देर सुने. ये बोलो क्लियर एकदम? है ना? और कैसे करते देख, थोड़ा बढ़िया सर्कल नहीं बना? तो अच्छा बना, डायग्राम बढ़िया बनेगा तो मजा आएगा. अरे यार, ये बच्चे सारे यहां खड़े होने लग जाते हैं, दबाव बनने लग जाता है. मान लो कि दो मिरर थे, एक येलो मिरर एक व्हाइट मिरर, दोनों के बीच का 60 डिग्री एंगल था. कितना? 60. ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखू अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक रखूंगा तो समझाने में टफ हो जाएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. फिर साले रोना गाना मत, मैं तो समझा दूंगा. कितने लोग बोलते हैं सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक? चले कंफ्यूजन हो गया तो सिमेट्रिक. अभी तो बहुत टाइम लगेगा समझ में, तो दोनों निकला हो, टेंशन नहीं. पहले समझ के ऐसा हो क्यों रहा है. मान लो कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया 30 डिग्री पे. कितने पे? 30. यहां से भी 30 और यहां से भी 30 ऑब्जेक्ट रखा. ये सर आए समझे, सर्कल बाद में बनाना चाहिए था डायग्राम के. आपको सवाल दिया गया था कि ये एक मिरर 60 डिग्री पे सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा गया डी दूरी पे. हमें ये पता पड़ गया कि जितने भी इमेज बनेगी एक सर्कल पे ही करेंगे, इसलिए मैंने पहले बना लिया. यार हाँ ना बोल. ये तो बताया कि सारी इमेज इसी पे लाई करेंगी, कितनी करेंगी उसके बारे में सिंपल सा लॉजिक समझे, उसे समझे. अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस येलो मिरर से जो पहली इमेज बनेगी, यहां से 30, क्या यहां से भी 30? क्या ये पहली इमेज I1 यहां बनेगी? जो इसका रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन दो रिफ्लेक्शन एक. बोलो क्लियर? Yes, इस व्हाइट वाले मिरर से कितने पे? ये 30, तो इधर भी 30. तो ध्यान से दे, यार तुम्हें नहीं आया? आया. नहीं आया? आया. आया नहीं आया? आया. अब सोच, अभी कहानी खत्म नहीं होती इसमें. क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा है कहानी. वही जो इसकी पहली वाली, उसकी वाली. उसकी दूसरी वाली, इसकी वो, ऐसे कहानी चलती है. इसकी पहली वाली क्या इस मिरर की दूसरी वाली का कारण है? अब ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, इस मिरर से कितना एंगल है? कितना है? कितना? तो इमेज भी तो इधर 90 पे बनेगी. नहीं आया? नहीं आया? यार तुम्हें नहीं आया? आया. 90 पे था. I3 दो रिफ्लेक्शन. इन द सेम वे इससे जो पहली इमेज बनी वो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी? इमेज कहां बनी? यहां से कितना एंगल है ये येलो वाले से? तो इधर भी कितना हुआ? 90. I4 टू रिफ्लेक्शन. अभी खेल खत्म नहीं हुआ. आप सुन, ये येलो वाले की दूसरी है,
येलो वाले की दूसरी है। तो इस मिरर की तीसरी का कारण है yes, ये मिरर से ऑब्जेक्ट यहां ध्यान से तो ये दूरी 30 है yes, इधर से 30 मतलब इधर से 150 yes, इधर से कितना yes, तो उधर से भी 150 yes, या इधर से 30 तो क्या इधर भी 30 मतलब यहां yes, यार तुम्हें नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। आई फाइव थ्री इन रिफ्लेक्शन आया नहीं आया, आया, आया नहीं आया, आया। इसकी दूसरी कारण मतलब देख ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल है ध्यान से देखिए 60 कितना साथ। कितना साथ। तो नीचे भी कितना 60 तो वो क्या कर गई कौन सा ही नहीं आया नहीं आया नहीं आया आया नहीं आया नहीं आया देख सुन ध्यान सुन मैं तो बताता हूं ध्यान सुन ये इमेज कहां से बनी थी बताना यहां से अरे यहीं से बनी थी ना यहां से एंगल 90 डिग्री था तो ये 30 हुआ तो ये कितना हुआ 60 है ना तो ये कितना हुआ 30 अब ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या हो गई क्या हो गई तो ये 30 तो ये भी 30 तो देख कौन साइड कर गई अरे यार तो पांचवी इमेज एक कारण दो कारण एक कारण दो कारण पर कौन साइड कर गई याद है सर 90 डिग्री में भी हुआ था ऐसा किसमें हुआ था पर सर ये तो पागल हो जाए इमेज निकाल अच्छा अब इसके बाद भी करें नहीं करें तीसरी की चौथी नहीं करेंगे क्यों लॉजिक बताता हूं ये वाली इमेज इसकी तीसरी इमेज है तो इसकी किसका कारण है चौथी पर सोचिए मिरर के पीछे आ गई पीछे आ गए पीछे आ गए पीछे आ गए तो फिर इसका कोई लॉजिक पीछे तब आती जब 180 डिग्री क्रॉस कर जाती है कितनी दूसरा लॉजिक सोच इस वाले मिरर के लिए ये कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है इसका बैक साइड है इसे कौन सा साइड है तब रोक लिया जाता है अब अभी सोची सोच तेरे को सिमेट्रिक में इतना कम समझ आया है अगर मैं अभी अनसिमेट्रिक ले लेता ना तो तेरे प्राण निकल जाते बट उससे लॉजिक समझ तो अनसिमेट्रिक वाले भी कर सकता है कैसे समझ पहले अगर तू ध्यान दे तो ये सवाल तो बहुत मस्त बनता है इस केस में तो एक मस्त हेक्सागन बनता है इमेज कितनी बनी 6 नहीं 5 एक तो ऑब्जेक्ट है कितनी बनी 5 दो एक एक रिफ्लेक्शन से दो रिफ्लेक्शन से एक तीन रिफ्लेक्शन से कारण दो यार नहीं आया हाँ मैंने सोचा सर बार बार ऐसे से बनाएंगे तो बहुत ही चमत्कारी तरीका है सर पर मुझे सर्कल तो समझ में आया था फिर मेरे को कुछ लॉजिक भी समझ आया क्या सुने क्या लॉजिक है ध्यान से समझे आपको क्लैरिटी आ जाएगी एकदम 110% येलो वाले से पहली जो इमेज बनी वो ध्यान से देखो तो कितना एंगल बनाया उसने 30 फिर और दूसरे वाले से 30 सिमेट्रिक है इसलिए ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या बन गई कितना एंगल बनाया 90 तो इमेज भी तो 90 बनाई मतलब 30 में आपने कितना जोड़ा 60 दोनों तरफ 60-60 जोड़ लो कितना 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 आया फिर 60-60 जोड़ लो देखिए फिगर आ रहे थे 150 के अरे यार जैसे ही 180 क्रॉस करो मत जाओ स्टॉप देयर क्योंकि 180 के बाद का कोई लॉजिक नहीं चुपचाप अच्छा कितनी इमेज हुई देख 1 2 3 1 2 3 कितनी हुई सर आपने तो 5 ही बताई इसका मतलब कोई कौन साइड पर मुझे क्या पता सर कौन साइड करेगी पता है तुझे सुनना सोच ये फाइनल इमेज का एंगल है वाइट वाले से पहले तो ये लॉजिक समझ आया आया कि नहीं आया आया ना पहले पहले एंगल लिख दिए जाते हैं और 60-60 डिग्री जोड़ा जाता है 60 मतलब जो मिरर के बीच का एंगल है किसके बीच का बोलो क्लियर एकदम अब सुनना ये फाइनल इमेज का एंगल है किसका एंगल है फाइनल इमेज का एंगल वाइट वाले से और ये वाइट से एंगल है और ये
150 और 150 और दोनों के बीच का एंगल, अबे 360 आया है, इसका मतलब कौन साइड करेगा? अगर फाइनल दोनों इमेजेस और एंगल बिटवीन द मिरर्स 360 आ जाए, कितना आ जाए, कितना आ जाए, तो फाइनल इमेज कौन साइड करिए, वरना कौन साइड? सन्नाटे में चले गए, सन्नाटे में चले गए। इस टेक्निक से तो कोई भी सवाल की कितनी भी इमेज निकाल सकता है, जो डेटा अच्छा बोलना। रुक जा, रुक जा, पहले समझ कैसे आता है। दो मिरर लेते हैं, कन्या से पूछते हैं कितने एंगल पे उसे लेना है और आइसोमेट्रिक रखवाएंगे। बोल कितना एंगल? 45। थोड़ा 30। थोड़ा छोटा लेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं? बोल कितना एंगल बनाऊं? ये 15। सिमेट्रिक मत ले, 10-20 ले लो। ये 10 डिग्री और ये 20 डिग्री, ऑब्जेक्ट रखा है। कितनी इमेज बनेगी, क्या होगी, कैसे करना है? भाई मुझे तो सटे की बात बताई, इससे 10 उससे 20, कितना कितना जोड़ता चलूं? कितना बिले जोड़ते चले, चलो 10 में 30, 40, 50, 70, 80, 100, 110। अरे यार हाँ ना बोल, 100, 130, 140, 170 और उधर 100, इसके बाद जाऊं क्या? क्यों नहीं जाऊं यार? हाँ ना बोल, एक दो तीन चार पांच छह, छह और छह। पर क्या फाइनल वाली कौन साइड कर सकती है? देखते हैं। लेट्स चेक दिस। 170 + 160 + क्या 360 हो रहा है? हो रहा है क्या? मतलब कौन साइड है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इमेज 12 की 11 हो सकता है। आप एक फॉर्मुला पढ़ाओ, 360 / θ - 1 लगा लगा क्या? लगा 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 360 / θ - 1 लगा क्या? अरे लगा क्या? बट वो फॉर्मूला लगा ना, सुना है कभी फॉर्मूला 360 / θ - 1? 360 / θ कितना होता है? कितना होता है? 12। 12 में से एक गया, उतना ही आया। देख तू बोलता सर तो उसी से कर लेते। अरे वो सिर्फ तब लगता है जब वो इंटीजर आए। 360 / θ हमेशा इंटीजर आए जरूरी है क्या? मैंने जो टेक्निक बताई उसमें तो कुछ भी पूछ ले तू, कुछ भी, तेरी जो इच्छा हो एंगल ले। तूने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 360 / θ - 1 12वीं में, वो तो कुछ सवालों के लिए है। 360 / θ हमेशा इवन इंटीजर आई है, कोई जरूरी नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूं एंगल की वैल्यू लो 70, अब आ रही है 360 / 70। अब क्या करेगा? सन्नाटे में चला गया। इसलिए वो फॉर्मूले अगर कभी पढ़े हो तो ये मत सोचना वो छोटे हैं, अबे वो बहुत अधूरे हैं। मैं ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं जिसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत खड़ा कर, जो सवाल तू बोलेगा बनाऊंगा, तू ही कर लियो। लॉजिक समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? करते चलो, अभी एक सवाल तुमसे कराऊं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। है ना देखा आंटी, निकाल लो इस आंसर है 2D, करना पड़ेगा अपने को फिर ये बना के। एक बार बहुत पहले उसमें पूछा हुआ है, किसमें? ओलंपियाड में उन्होंने पूछा इसकी पहले रिफ्लेक्शन से और इसकी दूसरे रिफ्लेक्शन के बीच की दूरी क्या होगी। जिसको पता था ना हेक्सागन, वो आंसर 2R था। क्या था वो आंसर? अगर कभी भी ऐसा पूछ ले तो फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पर वो ऐसा ही पूछेगा जिससे आसानी से हो पाए। समझ गया? बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ इमेजेस आती है, इसे बोलते हैं सर्कल कॉन्सेप्ट, है ना? आपको नंबर ऑफ इमेज बताने बिल्कुल इसी टेक्निक से, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं तुम्हें, एकदम बढ़िया। आ जाओ सन्नाटो। चलो एक डेटा मैं लेता हूं, कुछ भी लेता हूं, 70 डिग्री 30 और 40। चलो बोलो कितनी इमेज बनेंगे? ये तुम्हारे फॉर्मूले से नहीं हो सकता, 6 की 5। चलो 40 और 30, अरे देखते हैं ना अभी, 40 और 30 बोल, 40 और 70, 100, 110, 100,
180, अरे गड़बड़ हो गई, 170, 180 वाले को अकाउंट मत करा करो, 180 वाली को अकाउंट नहीं करते, 180 और 180 से ज्यादा वाली को अकाउंट कितनी हुई, कितनी हुई, कितनी हुई, और देख एक और करते, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें, क्या जो डेटा बोलो ले लेंगे। एक लड़की ने बोला ऑप्टिक्स ले लो सर, लो ऑप्टिक्स लो, कितनी लो, 120 डिग्री लो, एंगल कितना लोगे, 60-60 नहीं, 150-170, चलो बोलो फटाक से, दो तीन सब आपको बताना है, क्या कह रहा था मैं, अरे देखिए 70 और 50, 70 और 120, 1 सन्नाटा, 100, हाँ तो ये तो बनेगी ना, पक्का सोच लो, सोच लो, तुम्हें जोड़ के देखो 70 और 50, 220, और एक उसमें 120 और जोड़ो, अरे 170 और 50 कितना हुआ, 220, और उसमें और 120 जोड़ो, 360 है, क्या मतलब कौन साइड, अरे कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, कितने लोगों का सही है, एक और, एक और सही टाइम पास है, कोई फॉर्मूले की जरूरत, बोल बात चमकी, क्या मैंने सर्वल कॉन्सेप्ट लिखा दिया है, लिख लो सर्वल कॉन्सेप्ट, ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई ऑन अ सर्कल, ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई ऑन अ सर्कल, विल लाई ऑन अ सर्कल, विल लाई ऑन अ whose intersection point will act as a center उल्टा लिखा दिया मैंने थोड़ा, whose center, चलो कोई बात नहीं, whose intersection will act as a center and radius equals to distance of object from the intersection point, and radius equals to distance of object from the intersection point, चलो नोटिस शीट लाया कोई, लाओ काम देता हूँ, प्लेन मेरा खत्म, बस एक फॉर्मूला बाकी हो, मैं आते ही बता दूंगा, नोटिस शीट लाया कोई, radius equals to distance of object from the intersection point, प्लेन मिलेगा, सवाल कर लो सारे, चलो आ जाओ, लिखो एक्सरसाइज 1, सात से 14, नहीं मैं बता दूंगा, लिखो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, एक मिनट रुक जाओ, 1 से 14 तक मैं कुछ सवाल छोड़ देना, अभी ये बताए नहीं गए, कौन कौन से लिखो, छठा एंड 8th एंड 9th, बाकी सब कर लो, एक्सरसाइज 1 में 1 से 14 में से छठा 8th और 9th छोड़ दो, एक्सरसाइज 2 1 से लेकर 13 तक, नहीं 1 से 16 तक, बस इतना ही काम है, बहुत है,